वेलकम टू माई चैनल महिला तूफान। दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि तेज लड़की बनना है तो ना करें ये 15 गलतियाँ। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने लाइफ में, और सीधी साधी भोली भाली लड़की रहकर भी आप कैसे तेज लड़की बन सकती हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और यूजफुल भी होने वाली है, तो वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि बातों से लोगों को घुमाओ पर हमेशा नहीं, ठीक है। अपने काम पर, खुद पर आपको सही तरीके से काम करना है। कहने का मतलब है कि आप तेज़ लड़की बनो, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी बातों से लोगों को घुमाओ, ठीक है। जैसे कि आपको हायर एजुकेशन लेनी है, पढ़ना है, और आपके घर का माहौल वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आपका कॉलेज जाने का समय होता है तो उस समय आप कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाओ और पापा के चरण स्पर्श करो और कहो कि पापा मैं पढ़ने को जा रही हूँ। एक बार अगर पापा डांट दें तो मत जाओ उस दिन, फिर दूसरे दिन यही काम आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपके इरादे बुलंद रहेंगे और आपके पापा को मानना ही पड़ेगा और आप पढ़ाई कर पाओगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता है या कोई काम करने में, और अगर पेरेंट्स रोकते हैं, मना करते हैं कि तू लड़की है ये काम नहीं करेगी, रहने दे, ये तेरे बस का नहीं है या हमारे फैमिली में ऐसा होता नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है। तो उस समय भी आप चाहो तो बातों से कन्विंस कर सकते हो, घुमा सकते हो, क्योंकि बात ऐसा होता है ना कि हम बातों में जादू होता है, ये शब्द जाल जो होते हैं ना, अगर हम इससे करना सीख जाएँ तो हम कुछ भी, किसी से भी कुछ करवा सकते हैं। तो ऐसे आपको तेज़ लड़की बनना चाहिए, लेकिन आपका इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब आप ऐसा बातों से घुमा सकते हो और अपना काम बना सकते हो, सही दिशा के लिए, सही चीज़ों के लिए, ठीक है। ऐसे आप जो चलाकी होती है या जो तेज़ी होती है वो अपने काम पे, खुद पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। कितना भी स्ट्रेस आ जाए लाइफ में, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, ना दिमागी रूप से और ना शारीरिक रूप से, आपको अपना पूरा ख्याल रखना है। तो इस दिमाग अगर शांत होगा, शार्प होगा, तभी आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आप एक तेज लड़की बन सकती हो, ठीक है। तो आप खाना भी बहुत ही सोच समझ के अच्छा खाना खाया करो, क्योंकि जैसा आहार होता वैसा हमारा विचार होता है। ये छोटी बातें हैं लेकिन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि ठोकर खाकर आप सीख जाओ, गिरकर उठ जाओ, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई आपका फ्रेंड सर्कल में है या रिलेशनशिप में है, जो पैसों को लेके आपको धोखा दिए हो कि ये कोर्स मैं करवा दूंगा, इसमें इतना लगेंगे, उसके बाद वो गायब हो गया, या ये चीज़ें आपको ख़रीदनी है, ठीक है दे दो पैसे मैं ला दूंगा, गायब हो गया। तो ये छोटी मोटी जो होता है ना, धोखाधड़ी जिसे कहते हैं, अगर बड़ी भी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, या उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब होता है ना कि हम अपने आप को, खुद को ही दोषी मानते रहते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बन गए, और फिर तो नहीं, आपको इससे बाहर आना है, ठीक है। या फीलिंग के लेवल पे, जैसे भावनात्मक रूप से किसी ने आपको धोखा दिया प्यार के चक्कर में, पड़ के अफेयर में, तो ये गलतियाँ आपको दोहरानी नहीं है। दिमागी रूप से आप मजबूत बनो, इमोशनल फुल मत बनो, ठीक है। और उसके बाद हो सके तो किसी को बताना भी नहीं है, जब ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हो तभी बताओ, ऐसे आप उससे खुद निपटो और बाहर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद लाइफ में इस चीज़ को दोबारा नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ठोकर खाकर सीख जाना है, या आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिना ठोकर खाए भी सीख जाओ, क्योंकि भावनात्मक रूप से किसी के भी प्यार व्यार के चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद की सेफ्टी देखो, खुद को देखो कि आपकी करियर क्या है, क्या बनना है, क्या करना है, आपकी हेल्थ कैसी है, खुद पे फोकस करो, ठीक है। फीलिंग आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, उससे ज़्यादा किसी और से प्यार करना नहीं है फीलिंग के लेवल पर, ठीक है, याद रखना। और कोई आपसे प्यार करे, सच्चा प्यार करे, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको ध्यान रखना है। भीख मांग कर प्यार करना, गिरगिराना नहीं है, लड़की हो तो क्या हुआ। तो इस तरह से या गिरकर उठ जाओ, मतलब अपने आप को संभाले रखो, इमोशनल फुल मत बनो, ये बहुत
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो खासकर लड़कियां करती हैं, ठीक है। तो आपको इनसे ऊपर उठना है, बाहर आना है बहुत जल्दी। तीसरी बात है कि लड़की जो है वो बहुत सीधी होती है, मासूम होती है, भोली होती है। तो आप सीधी मासूम दिखो, बनो मत, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज तरह दिखना नहीं है, भोली सिंपल रहना है। लेकिन आप जैसे, अगर सचमुच भोली हो तो आप जैसे हो वैसे सभी नहीं हैं, ये समझने की ज़रूरत है। जैसे आप सोचते हो वैसे सब नहीं सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन पैसों के लिए आपसे बात करता है, किस वजह से आपसे बात करता है, या कुछ और आपसे चाहता है। तो किसी के मन को पढ़ना, चेहरे को पढ़ना, किसी के भाव को समझना, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब आप भोली हो, सीधी हो, दुनियादारी से अनजान हो, तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, पैसे को लेके भी बना सकता है, या कुछ और भी आपके साथ हो सकता है, ठीक है। प्यार व्यार के चक्कर में फंस सकते हो, और जिससे आपको परेशानी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको इन सब से बचना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप जैसे अच्छे हो, सीधे हो तो सब है। नहीं, आपको भी चेहरे पे चेहरा लगाना है, क्योंकि दुनिया में जीना है। तो अच्छे लोगों के साथ आपको अच्छा करना है, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, सीधे साधे जैसे आप हो वैसे वो नहीं हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार आपको करना चाहिए। और इस चीज़ की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। इतना भी भोला ना बनो कि कोई भी मतलब आपको झुका के पायदान बना ले, सीढ़ी बना ले, इस बात को आपको समझना चाहिए। 4 पॉइंट से है कि चालाक बनो पर करो मत। जैसे एक तेज़ लड़की होती है ना, समझदार लड़की जो होती है, वो लोगों से मतलब हमेशा चालाकी से काम नहीं निकलवाती है। क्योंकि काम तो हम लड़की हैं तो किसी से यूँ निकलवा लें, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि उससे आपकी खुद की पहचान नहीं बनेगी। चाहे ऑफिस में आप कुछ काम करते हो, तो आप मेहनती लड़की बनो ना, ठीक है। जिससे कि आप मेहनत करके कुछ हासिल करो अपने दम पे, ये नहीं कि आप चापलूसी करके या लड़की होने का कुछ फ़ायदा उठा के अपनी खूबसूरती का कुछ का काम निकलवा लो या कुछ चालाकी से। तो ऐसा नहीं करना, उससे आपकी खुद की पहचान नहीं बनेगी, ठीक है। आप खुद से काम करोगे, खुद से सीखोगे, तो कहीं और भी जॉब कर सकते हो। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। ये गलती नहीं करनी है कि मैं तो किसी और से काम करा लूँगी, ठीक है। नहीं, आपको मेहनती लड़की बनना है, तेज़ लड़की बनना है, तो मेहनत करना सीखो। रहो राजा की तरह, लेकिन गुलाम की तरह काम करना आपको आना चाहिए, ताकि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनो। 5 टिप्स है कि काम पैसे से करवाओ, बनवाओ, मीठी बातों से नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी हमारा काम ऐसे ही यूं ही नहीं करता है, ठीक है। वो बदले में कुछ चाहेंगे, आपकी ताकत कामयाबी देखकर ही करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे आप भी उनका काम आ जाओ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से या मन से आपके लिए काम करते हैं। तो उसमें आपको लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए, और आपको बिना पैसे से किसी से भी कुछ काम नहीं करवाना चाहिए। उसके बदले जो पैसा बन पड़ता है उसे दे देना चाहिए। इससे आगे के लिए आपका फ्यूचर सेव हो जाता है, और ये आपके लिए अच्छा होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि हम चालाकी से अपना काम करवा ली या मीठी बातों से, ठीक है। 6 टिप्स है कि कमजोरी मत बताओ। जैसे एक पहलवान पहलवानी करते तो हमेशा जीतते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो सबसे पहले सामने वाले से उसकी हाइट पूछ लेते हैं, ताकि जब वो पटकें तो उन्हें पता हो कि वो कितने दूर पे मतलब गिरेगा, या उनको कुछ आइडिया हो जाता है। तो ये तो हुई कि पहलवानी में, रियल लाइफ में भी अगर आप कमजोरी बताते हो कि आपकी इनकम क्या है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, या घरेलू समस्याएँ आपकी, तो किसी को जहाँ जॉब करते हो या दोस्त भी हैं, तो हमें हर किसी को नहीं बताना। कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है या कुछ ऐसा एक दोस्त होना चाहिए जिससे हम बातें शेयर कर सकें, वो भी इनडायरेक्टली। किसी और का एग्जांपल लेके आप पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ लड़की बनो, अपना ही बताने की ज़रूरत नहीं, सोल्यूशन चाहिए। तो आप एग्जाम्पल दे के भी कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उस समय उस सिचुएशन में वो क्या करे, ठीक है। इस तरह से आप किसी से पूछ सकते हो, और अपनी कमजोरी आपको नहीं बताना है, क्योंकि लोग कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप देख रहे हो, दुनिया बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, चंड और चालाक है। तो आप भी दिखो, सीधी दिखो, भोली रहो ना, किसने मना किया है, लेकिन तेज़ लड़की बनो। तो ऐसे आपको तेज़ बनना है, अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना, ये गलती कभी नहीं करनी है।
जैसे आपने कभी किसी से प्यार किया है, आपके साथ कोई बुरा घटना घटा है या कुछ भी ऐसा, तो शादी के बाद या जिससे आपकी शादी होने वाली है, जिसके साथ अभी हो, कभी नहीं बतानी है, ठीक है? तो इस बात का आप गांठ बांध लो। 7 टिप्स है कि प्यार के लिए, पैसे के लिए, जॉब के लिए, कोई भी किसी भी कीमत पे सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, मामूली लड़की हैं, कुछ नहीं बन रहे, लेकिन हम इज्जत से जी रहे हैं ना। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी की नज़रों में झुक कर नहीं जी रहे हैं, किसी से हम जैसे योग्यता नहीं है फिर भी हम भीख मांग के जॉब ले लें या पैर भी करवा के ले लें, तो हम खुद की नज़रों में गिर जाते हैं ना। तो हमें गिर कर काम नहीं करना है, ठीक है? या कि कोई हमारे लिए एहसान करता है, ठीक है, वो जताता है तो मुफ्त की रोटी हम तोड़ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को भी मिलती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़रूर कमाना सीखो लड़की हो कि तुम अपनी रोटियां खुद की मतलब तोड़ो कमाई से। कुछ तो आपकी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, पैसे को लेके, या कुछ नहीं भी कमाते हो तो अपना एटीट्यूड आपको सर उठाकर ही जीना, झुका कर नहीं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है, और आप अच्छे हो, किसी से कम नहीं हो। तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। हमेशा झुक के रहने की गलती मत करना, क्योंकि और आपको लोग झुकाएंगे। 8 टिप्स है कि राइट वर्ड्स कहो, तो सही समय पर सही शब्द कहना चाहिए। जैसे हम प्रचार देखते हैं ना टीवी में कि कम में ज़्यादा, जो दिखता है वो बिकता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी तेज़ी में भी, सफ़ेदी में भी, तो वॉशिंग पाउडर का बहुत सारा प्रचार रहता है। तो ये चीज़ें सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, हमारे जीवन में भी बहुत काम आता है। इसलिए आपको किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो आप सही समय पे सही उसे जवाब देना आपको आना चाहिए, ठीक है? जैसे कोई बॉस हैं, आपको ऑफर करते हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको ऊपर पहुंचा दूंगा, तो आप कह सकते हो उसकी बातों को समझ के कि सर मैं सीढ़ियों से भी लिफ्ट की दूरी तय कर लूँगी, ठीक है? तो वो समझ जाएंगे कि आप किस टाइप की लड़की हो। तो किसी की ऑफर को तुरंत ले लेना नहीं है, राइट वर्ड्स जिससे कि चूज करो, जिससे कि उन्हें बुरा भी ना लगे और आप अपनी ताकत भी दिखा दो। 9 टिप्स है कि बात राजा की तरह करो, मतलब रानी की तरह करो। एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं हो, लेकिन काम गुलाम की तरह करना है। जैसे कि कोई लड़का आपसे मिलता है तो वो सोचता है ये तो लड़की है, क्या ही कर लेगी, ठीक है, लेकिन बात आप एटीट्यूड से करो तो ये तो फेक एटीट्यूड है, लड़की है। लेकिन जब आप काम करो गुलाम की तरह, मेहनत, आपकी मेहनत को जब वो किसी काम में देखेगा या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसे समझ में आ जाएगा कि आप चीज़ क्या हो। तो इस तरह से गुलाम की तरह काम करना, काम करने में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और बुराई नहीं है। तो आपको मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। तेज़ लड़की बनना है तो शारीरिक रूप से भी काम करो, दिमागी रूप से भी काम करो, हर तरह से आपको काम करना चाहिए। ना काम करने की गलती कभी मत करना। 10 टिप्स है कि कोई बिजनेस कर रहे हो या आप परिवार में ही हो, कोई रिलेशनशिप में हो घर में, तो किसी को भी आप फ़ायदा दिखाकर काम करवा सकते हो कि मैं ये काम कर रही हूँ, अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो इसमें आपको इतना कमीशन मिलेगा, 20% या 50% जो भी। तो अगर उनको इंटरेस्ट है, फ़ायदा दिखता है, तो वो आपका काम करेंगे। तो इस तरह से आप किसी से काम ले सकते हो, प्रोफेशनल बनो। ये गलती मत करो कि किसी से भी फ्री में काम लो, क्योंकि फ्री का काम फ्री में ही होता है। तो ये चीज़ें भी एक तेज़ लड़की जो है वो मतलब फ़ायदा दिखाकर काम लेती है और पैसे देकर काम लेती है। 11 टिप्स है कि नेगेटिव क्वेश्चन पर रिएक्ट ना करें, शांति से जवाब दें। जैसे तू तो बहुत फालतू लड़की है, ये वही है ना जो 10वीं में 2 बार फेल की थी, इसके पापा कितना इसे सुनाए थे, अभी ये क्या कर रही है, अभी आप कामयाब हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो, तो वो टांग खींचते हैं ना, या नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, कोई आपकी के लिए नेगेटिव उनके वर्ड्स निकलते हैं, ये तो बहुत हाइट कम है इसकी, इसका क्या होगा, कामयाब है भी तो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो चुभती हैं, काली है, तो आपको वहाँ पे शांति से जवाब देना है कि मैं जो हूँ अपने लिए हूँ, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है, या स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाना है, कुछ कहना भी नहीं है। तो इस तरह से आप उनका सामना कर सकते हो। 12 टिप्स है कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें, समय लें। चाहे किसी से आपका झगड़ा हो गया हो,
तो बहुत दिन का रिलेशनशिप है, 4 साल 5 साल 10 साल का, और पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई ऐसा आपके हस्बैंड हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, समय लेना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए कि क्यों झगड़ा हुआ, क्या बात हो गई, या जॉब में या आप एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे हो, तो धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, रास्ते बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना है और ख़ुद पे ब्लेम नहीं करना है, हताश नहीं होना है, हिम्मत बांध के रखना। एक तेज़ लड़की ना बहुत मजबूत होती है, तो आपको मजबूत रहना है, कमज़ोर बनने की गलती यहाँ आपको, पेशेंस खोने की गलती नहीं करनी है। कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम चने की झाड़ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ सिचुएशन का पल्ला भारी होता है, गंभीर सिचुएशन आती है, तो हम हाय दैया करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 13 टिप्स है कि सिचुएशन समझकर काम की बात करें। पेरेंट्स से काम की बात करनी है, बॉस से काम की बात करनी है, किसी से भी, तो उसका मूड कैसा है, सिचुएशन कैसा है, और टॉपिक समझ कर ही आपको बात करनी है। जैसे किसी के घर में गमगीन माहौल है और वहाँ आप अपने फ़ायदे की बात या कुछ अपना पर्सनल बात आप नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा सिचुएशन को समझ के आपको बात करनी है, ठीक है। ये तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझ सकते हो कि सिचुएशन के अनुसार हमें कैसे बात करनी चाहिए। 14 टिप्स है कि कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए। एक तेज़ लड़की आप तभी बन सकते हो और आपका दिमाग शार्प तभी सो सकता है जब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल का हो, आपके अंदर आत्मविश्वास हो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इस बात की आप गांठ बांध लो और अभी से अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर आओ। 15 टिप्स है कि कम बोलना, ठीक है, और आई कॉन्टेक्ट रखकर बात करो और मीठा बोलने वाले से दूर रहें। कम बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ज़्यादा बोलने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें अपने बारे में कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। झुककर बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बातें जो बोलना होता है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ बोलना है, कब बोलना है और कम क्यों बोलना है। इसकी समझ अगर आपको हो जाए ना, तो आप सच में एक तेज़ लड़की, गंभीर लड़की और समझदार लड़की बन जाओगी और हर किसी के दिमाग पर राज करोगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।